आईफोन में मोवी क्यूब अकाउंट कैसे बनाएं कैरिमिनाटिक स्टाइल में। तो कैसे हैं आप लोग? जी दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि आप जो है अपने आईफोन में ये मोवी क्यूब का जो अकाउंट है वो कैसे क्रिएट कर सकते हो और कैसे आप जो है सही तरीके से अपना आईडी बना पाओगे मोवी क्यूब में, वो मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। और साथ में जो है दोस्तों, अगर आप जो है पहली बार जो है मोवी क्यूब में अपना अकाउंट बनाओगे तो आपको 75 रुपये का कैशबैक कैसे मिलेगा, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं। तो दोस्तों, उसके लिए सबसे पहले आपको जो है मोवी क्यूब को डाउनलोड करना होगा। अगर आपको जो है कैशबैक लेना है तो मैं जैसा बता रहा हूँ वैसे ही आपको डाउनलोड करना होगा। और उसके अलावा अगर आप जो है इस तरीके से डाउनलोड करोगे तो आपको कैशबैक मिलेगा 75 रुपये। वो कैसे मिलेगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से चेक करना है। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है मोवी क्यूब का रेफरल लिंक मिलेगा। जी दोस्तों, 75 रुपये कैशबैक कमाने वाला जो है रेफरल लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करोगे तब आपको जो है ये ऐप जो मोवी क्यूब है उसको डाउनलोड करने के लिए आपको ऑप्शन मिलेगा। अगर आप जो है ऐसे करके डाउनलोड करते हो मोवी क्यूब को तो आपको 75 रुपये मिलेगा। पहले तो आपको जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जो लिंक रहेगा मोवी क्यूब का ऐप उसको डाउनलोड करना है। और डाउनलोड करने के बाद जब आप जो है अपना आईडी बनाओगे इसके अंदर मोवी क्यूब के अंदर और पहला ट्रांजेक्शन करोगे, पहला ट्रांजेक्शन बोले तो मोबाइल रिचार्ज या किसी अपने फ्रेंड को मोवी क्यूब से पैसा भेजोगे, तब आपको जो है आपके मोवी क्यूब के वॉलेट में 75 रुपये कैशबैक मिलेगा। तो इसके लिए आपको जो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना है, आपको जो है मोवी क्यूब का जो डाउनलोड लिंक है उस पर क्लिक करके आपको मोवी क्यूब ऐप को डाउनलोड कर लेना है और ओपन कर लेना है कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे फर्स्ट टाइम इसको ओपन करोगे तो आपको इस तरीके से बताया जाएगा। देन यहाँ पे गेट स्टार्टेड का ऑप्शन आएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है गेट स्टार्टेड पे। और उसके बाद आपको जो है यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। दोस्तों यहाँ पे आपको वही वाला मोबाइल नंबर डालना है जिसका आपका जो सिम है वो लगा होना चाहिए आपके आईफोन पे। तो यहाँ पर मैं अपना मोबाइल नंबर डालता हूँ, वो मोबाइल नंबर वाला सिम जो है मेरे आईफोन पे डला हुआ है, ठीक है। और उस पर रिचार्ज भी है दोस्तों, रिचार्ज भी होना ज़रूरी है। तो ये देखिए, मैं अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ और यहाँ पे जब मोबाइल नंबर डालेंगे उसके बाद यहाँ पे सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ये हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका जो मोबाइल नंबर है उस पर जो है ओटीपी आएगा, देखिए इस तरीके से आ चुका है, मैंने यहाँ पे फिल कर दिया है ओटीपी को और प्रोसेड कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से प्लीज़ वेट करके बताया जाएगा और यहाँ पर ओके कर देना है। और यहाँ पर फेस आईडी दिखाने के लिए बोला जा रहा है तो मैं अपना फेस आईडी दिखा दिया था, ओके ठीक है। यहाँ पर मैं अपना फेस आईडी दिखा देता हूँ इसको। अब यहाँ पे फेस आईडी सही से नहीं डल पाया तो मेरा पासकोड मांग रहा है तो इसको मैंने डाल दिया है। अब यहाँ पे आपको जो है नीचे में दिखाई देगा स्किप केवाईसी और कंटिन्यू केवाईसी, ठीक है। तो आपको दोस्तों यहाँ पे केवाईसी कंप्लीट करना होगा। केवाईसी बोले तो आपका जो है कोई भी डॉक्यूमेंट का आईडी प्रूफ, उसी को आपको यहाँ पे फिल करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आप जो है मोवी क्यूब के अंदर मोवी क्यूब वॉलेट को इस्तेमाल कर पाओगे। मोवी क्यूब वॉलेट को इस्तेमाल करने के लिए आपको जो है केवाईसी पूरा करना होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर केवाईसी कंप्लीट कर सकते हो, कंटिन्यू करोगे तो आपको मिल जाएगा ऑप्शन। चलिए मैं कंटिन्यू कर देता हूँ और यहाँ पर अलाउ कर देंगे और परमिशन जो मांगता है सबको अलाउ कर देना है कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे आपको केवाईसी कंप्लीट करना है दोस्तों, और केवाईसी कंप्लीट करने के बाद आप जो है मोवी क्यूब का वॉलेट इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप जो है केवाईसी कंप्लीट नहीं करते हो मोवी क्यूब ऐप का, तब आप जो है मोवी क्यूब वॉलेट का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। लेकिन आप जो है अपना बैंक अकाउंट को लिंक कर लोगे उस पर मोवी क्यूब ऐप पे तो उसको इस्तेमाल कर पाओगे, लेकिन वॉलेट को इस्तेमाल करने के लिए आपको केवाईसी पूरा करना ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो लोडिंग हो रहा है तो हम यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। मेरा इंटरनेट डाटा ऑन कर लेता हूँ, वाईफाई से शायद यहाँ पे नेटवर्क सही से नहीं काम कर रहा है इसलिए ऐसी लोडिंग हो रहा है। ये देखिए अभी भी लोडिंग हो रहा है, मैंने अपना मोबाइल डाटा ऑन कर दिया है। चलिए एक बार मैं बैक कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ से मैं बैक कर लेता हूँ। ओके, बैक कर दिया मैं और यहाँ पे इस तरीके से ये ऐप ओपन हो चुका है, आप देख सकते हो। अब यहाँ पे आपको जो है दिखाई देगा प्रोफाइल का ऑप्शन, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो कुछ इस तरीके से आपको ये डिटेल बताया जा रहा है, ये आप देख सकते हो। और उसके बाद आप जो है जब इसको केवाईसी कंप्लीट कर लोगे उसके बाद आपको जो है यहाँ पे केवाईसी में आपको जो है अपना डॉक्यूमेंट का कोई सा भी नंबर यहाँ पर डालना है, जैसे कि पैन नंबर, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर आपका पासपोर्ट, ये अगर आप बना हुआ है तो उसका जो नंबर लिखा रहता है उसको आपको यहाँ पे डालना होता है। ये देखिए कंप्लीट योर केवाईसी लिखा है, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ
और यहाँ पे आ गया, जैसा कि मैंने आपको बताया था, पैन कार्ड या पासपोर्ट, जॉब कार्ड होगा तो उससे भी कर सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, इनमें से किसी भी एक ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है। और उसके बाद यहाँ पे आपको जो डिटेल मांगेगा, जैसे कि पैन नंबर मांग रहा है, डिटेल में आप देख सकते हो, तो ये आपको पैन नंबर दिख जाएगा आपके पैन कार्ड पर। और उसके अलावा यहाँ पर पैन कार्ड पर जो नाम लिखा रहेगा उसको यहाँ पर आपको डाल देना है, फिर कंटिन्यू कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस तरीके से डिटेल डाल के केवाईसी को कम्प्लीट कर लेना अगर आप वॉलेट इस्तेमाल करना चाहते हो तो। चलिए यहां पर मैं क्या करता हूं, मैं जो डिटेल को फिलअप कर देता हूं और उसके बाद यहां पर मैं कंटिन्यू करूंगा। तो यहां पर मैं जो अपना डिटेल है उसको फिलअप कर देता हूं और उसके बाद मैं आपको आगे कंटिन्यू करके बताऊंगा। तो आपको अपना जो डिटेल है वो आपको देख लेना है आपके डॉक्यूमेंट पे। देन उसके बाद आपको जो है यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है। ये देखिए मैंने कंटिन्यू कर दिया और इस पर क्लिक कर देता हूँ और कंटिन्यू करेंगे तो इसको आपको जो है वेरीफाई करना होगा। ये देखिए कंटिन्यू कर देते हैं। उसके बाद आपको जो है यहाँ पे आधार कार्ड का जो डिटेल है वो फिलअप करना होगा, ये आप देख सकते हो, और सिक्योरिटी कोड यहाँ पर आपको डालना होगा जो यहाँ पर लिखा हुआ है, और उसके बाद आपको जो है यहाँ पे डन करके सबमिट कर देना है, ठीक है। तो ये आपको कर लेना है दोस्तों, तो ये आप कर सकते हो। इसको मैं फ़िलहाल यहाँ पे बैक कर देता हूँ और ये जो केवाईसी है उसको आप कंप्लीट कर सकते हो। और केवाईसी जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप जो है इसमें वॉलेट का इस्तेमाल कर पाओगे। और अगर आपको जो है यहाँ पे मोबीक्यूब में अपना जो बैंक अकाउंट है उसको लिंक करना है तो भी आप कर सकते हो। उसको करने के लिए आपको जो है करना क्या रहेगा, यहाँ पर आपको कहीं पर मिल जाएगा UPI का ऑप्शन और उसी को आपको जो है यहाँ पे सिलेक्ट करना है और आगे का प्रोसेस करना है। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ प्रोफाइल पे और मेरा जो है पहले से यहाँ पे लिंक है क्योंकि मैं इससे पहले भी मोबीक्यूब ऐप को चलाता हूँ, तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आ गया है रिकवर करके। आपको जो है यहाँ पे दिखाई देगा ऐड करने के लिए ऑप्शन, तो आप यहाँ पे ऐड कर देना और ऐड करने के बाद आप जो है मोबीक्यूब ऐप को इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद आप जो है मोबीक्यूब का इस्तेमाल करने के बाद आप जो रिचार्ज कर सकते हो मोबीक्यूब ऐप से, DTH रिचार्ज, मोबाइल रिचार्ज, UPI पे किसी को पैसा भेजना है, ये सब आप कर सकते हो। तो इस तरीके से आप जो है अपने आईफोन में मोबीक्यूब में अपना अकाउंट बना सकते हो। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताना है। नए हो तो आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को आप जो है आप सेलेक्ट कर लो, इससे क्या होगा आपको इसी तरीके का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा आपके आईफोन पे। चलिए दोस्तों मैं मिलता हूँ किसी नए वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।